अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम इनक्रेडिबल गुजरात। दोस्तों हम इनक्रेडिबल गुजरात में और आपको लाए हैं इसी सीरीज में पटेल फार्म पे। लास्ट टाइम भी आप ये फार्म पे आ चुके हैं, हाईटेक फार्म है गुजरात का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अल्लाह का शुक्र है, बताइए जनाब। सही है माशाअल्लाह। पटेल फार्म पे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो मेरा सेकंड विजिट है भाइयों के साथ में, हमने पहले भी यहाँ शूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफी उम्दा फार्म बनाया आप लोगों ने, शुक्रिया। है ना, पूरा सेटअप मैं दिखाया था लास्ट टाइम भी, काफी हाईटेक तरीके से किए है। तो आज क्या है दिखाने के लिए, थोड़ा बताए लोगों को। हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जी, जैसे जो नस्ल के बारे में जानते हैं सोजत व्हाइट, इसके अलावा भी हमारे पास कलरफुल, जो ऐसे दीवाने होते हैं जो व्हाइट के बाद कलरफुल को प्रीफर ज्यादा करते हैं जी, तो उनके लिए भी हमारे पास राजस्थानी है, सही है, अजमेर आइटम है बराबर, और सोजत के लिए तो बहुत बेहतरीन उम्दा हमारे पास क्वालिटी है गॉड की। सही है। तो ये सब पाले हुए बकरे अपने? ऑफ कोर्स, ये हमारे जो बकरियां है जी, उनके जो बच्चे हैं उनको ही प्रोड्यूस करके हम बड़े करते हैं। सही है, क्यों हमारे एटमोस्फियर पे कुल वो एडजस्टेबल हो जाए। लास्ट टाइम आपके बकरियां भी देखे थे हम लोग ने, ठीक है। तो आज बकरों पे कॉन्सेंट्रेट रखेंगे हम लोग इंशाल्लाह, और एक वॉक कर लेते हैं फार्म के अंदर। ओके, आप और लोगों को एक एक करके बकरे दिखा जी। वेलकम जी भाई साहब। ये मतलब जैसे आप देख रहे हो अभी फिलहाल तो ये धूप का टाइम है, तो काफी गर्मी पड़ रही है, इसीलिए हमारे जो बकरे वो छाए में है। तो आप आइए हमारे साथ, तो पहले हम आपको विजिट करा देते हैं। दोस्तों तीन अलग अलग बाड़े आपको दिखाएंगे हम लोग माशाल्लाह। ये देखिए आप, अजमेरा सिरोही, ये अजमेरा सिरोही सिरोही है हमारी, बहुत बेहतरीन नस्ल है ये, और जो व्हाइट के बाद अगर किसी को ज्यादा पसंद आते तो ये ब्रीड हमारे पास है। सही। तो टोटल कितने बकरे होंगे इसमें? ये हमारे पास अभी ये लास्ट लॉट बचा है 25 का है, 25 गोट्स है। हाँ, 25 है अभी। ऑन एवरेज वजन क्या होगा इनका? ये अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 के बीच में है। 55 के 60 के बीच। हाँ, तो मैं इनको एक बार थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं धूप में, या ऑफ कोर्स ताकि लोग देख लें इंशाल्लाह। या पक्का। चलिए तो दोस्तों एक एक करके आप सारे बकरे देख लो। 25 बकरों का लॉट है माशाल्लाह, अच्छे कलर में सब बकरे, दो दांत चार दांत। ये अपने को क्या रेट में देने का है भाई? ये हमारा जो 25 का है लास्ट लॉट है, हमारे पास चार ऐसे लॉट थे जी, जो भी हमारा लास्ट लॉट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 450 रुपये केजी। सही है, हम बेचने वाले हैं। सही है। और अगर कोई हमारे बड़े भाईजान का फोन आता है और यहाँ पर विजिट करते तो उनका मान सम्मान भी रखा जाएगा। सही, अब बेफिक्र रहिए। सही है, 450 रुपये। यस, 450 रुपये पर केजी के हिसाब से दोस्तों, सब अच्छे सेट वैक्सीनेटेड और शाइनिंग वाले बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हो गए कलरफुल बच्चे। ओके, ठीक है, अभी इसके बाद में हम लोग व्हाइट के जो लॉट है वो दिखा देते हैं सोजत बकरों का। ऑफ कोर्स आइए। ठीक है, ये बकरे आप लोगों ने देख लिए, अभी बाहर चलते हैं हम लोग। और इनका जो तरीका है मैं बताऊं, देखो नमक रखने का जगह, ये भले आपको छोटी छोटी चीज़ें लगें लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पानी पीने का देखिए आप हिसाब, जब भी पानी चालू करना है यहाँ से पानी यूज़ में आएगा, पानी का वेस्टेज नहीं होगा, ड्रेनेज के हिसाब से पानी आगे खेतों में चला जाएगा। ठीक है, और फीडिंग का भी सिस्टम देखोगे आप तो हल्का स्लोप दिखेगा नीचे की तरफ, साफ सफाई करने के लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं फार्म को हमेशा हाईटेक फार्म बोलता हूँ। आइए अंदर चलते हैं और पहले अंदर आपको कुछ बकरे दिखाता हूँ। बाड़े की साइज देख लें आप पूरी, देखिए, और यहाँ देखिए आप ऊपर भी इधर भी वेंटिलेशन, यहाँ बड़े बड़े पंखे लगे हैं माशाल्लाह, बकरों का काफी ख्याल रखा गया है यहाँ पर। एक्चुअली ये चीज अगर कुर्बानी के लिए ना होती तो इतना ध्यान हम नहीं रखते, लेकिन ये कुर्बानी के लिए चीज है तो इससे पूरी इतियाद के तहत हम ये काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस फैला रहे हैं। अब बाहर भी देख सकते हो वेंटिलेशन का काफी अच्छा यहाँ पर सहूलत बनाया हुआ है, अच्छी है, और बाहर हमने गार्डन जैसा भी बनाया है। सही है, दिन में 2-3 घंटे ये बकरे बाहर अपने आप ऐसे घूमते हैं। सही है, जिसको कोई रोक टोक नहीं है। तो होता क्या है कि ये फिजिकली खुश रहे बच्चे, बराबर, जैसे खुश रहेंगे तो वही तंदुरुस्त बने रहेंगे। सही है, क्योंकि तो उनके दिमाग पे कोई टेंशन नहीं बनाए रहे। टोटल सोजत बकरे कितने अपने पास? हमारे पास ये 36 से 38 बकरे हैं। सही है, 36 to 38 गोट्स हैं। ओके, एवरेज वजन क्या है इनका? या उनका एवरेज वजन है 60, 65, 70, अगर मान के चले तो 55 से 60 के बीच में। चलिए हमें 60 ही मानते हैं,
ओके ठीक है, 60 किलो की एवरेज पट्टी है जिसमें कि थोड़े बकरे यहाँ पर हैं और थोड़े बकरे इस बाड़े में, ठीक है, ये पट्टी पूरी एक साथ देनी है, हाँ है ना। तो ये बकरे आप देख लो पहले, फिर मैं वो बाड़े में लेके जाऊंगा आप। इनको भी एक बार हम लोग सामने के बाड़े में निकाल लेते हैं, हाँ, ताकि लोग आराम से वॉकिंग करके भी देख लीजिए, चलते फिरते देख ले। आइए, बाकी देखिए ये क्या, यहाँ बकरे अच्छे समझ में आएंगे लोगों को। ओके माशाल्लाह, देखिए आप, ये एक लॉट है और अभी दूसरा भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये दो लॉट एक साथ देने का है। ओके जो अलग अलग रूम में है, माशाल्लाह सब वाइट कलर में है। एवरेज वजन इनका 60 से 62 केजी तक माने आप लोग। सब बच्चे सेट पाले हुए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था तो भी ये बकरे यहाँ पल रहे थे माशाल्लाह, क्योंकि हम बचपन से ही बड़ा करते हैं जी इसकी, क्योंकि ये करने का रीजन ये है कि इसके साथ हमारा थोड़ा लगाव रहे और पहले से ही बच्चे बड़े हो यहाँ पर, तो उसका फूड से लेके हम क्या खाना खिलाए उसको, तो उसकी भी हम अच्छे से देखभाल कर सके। सही है। बाहर से जो बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं तो ये एटमोस्फियर उनको सेट नहीं होता और काफी बीमार हो जाते हैं और मरने की ज्यादा जो मोर्टालिटी है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। सही है। और खुद का फीड भी उगा रहे, देख सकते हैं आप लोग, आप पीछे देख रहे हो कि खुद का, हमारा खुद का भी फीड है कि जो ग्रीन पाउडर हम देते हैं तो चारा यहीं से काट के उनको देते हैं। सही। और ये ओपन जब खुला रहता है तो ये सारे बच्चे वहीं पर बाहर ही खेलते हैं पूरा दिन। सही। तो ये एक लॉट हो गया, आप दूसरा लॉट दिखा देता हूँ, okay. फिर आपको रेट भी बता देंगे हम। इनको आने ही देते हैं डायरेक्ट इधर, भाई यहाँ ले लीजिए। तीसरा लॉट अभी आपके सामने आएगा। इनका रोज का रूटीन है, हाँ। इनको पता है कहाँ पर आना है। ये वाले वाड़े में थोड़े हैवी बकरे थे, छोटे और ये थोड़े हैवी, माशाल्लाह खूबसूरती में भी काफी उम्दा बकरे हैं। क्या बात है, अराउंड 35 to 38 बकरे हैं दोनों मिला के, वाइट वाले। व्हाइट का लॉट भी किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है। क्या रेट में देंगे व्हाइट बकरे? ये 499 रुपये, 499 पर केजी, ठीक है। जो भी वजन आएगा वो हिसाब से पेमेंट दे के आप लोग बकरे लेके जा सकते हैं। हाँ, और कोई यहाँ पर आता है, मिलता है, बात करता है तो उनका मान सम्मान भी रखा जाएगा। सही है। और ये एक ही पट्टी में एक ही लॉट में देना है। सही। तो जिसको भी लेना हो कॉन्टेक्ट कर ले, इंशाल्लाह मैं नंबर भी दूंगा और एक ब्रीडर बकरा है वो भी दिखा। हाँ, वो बताइए हम। आइए, तो ये भाई का आप देख सकते हैं माशाल्लाह, हैदराबादी पतीरा हाइट पैड, ठीक है, इसकी ब्रीडर क्वालिटी का बकरा है माशाल्लाह। या ये हमारे फार्म का आन बान शान है। सही है। उसका नाम हमने थेनॉक्स रखा है। थेनॉक्स, हाँ माशाल्लाह, वाइट आइज के अंदर कान भी अच्छे हैं, लंबे कान। 16 to 17 उसकी लेंथ होगी जी, 16 to 17। हाँ, 16 to 17 इसकी लेंथ होगी। बकरा पूरा व्हाइट कलर में, हाँ, आप देखिए पीछे से व्हाइट आत्मा, गुलाबी बच्चा। इसकी हाइट 37 से 38 है जी, वजन अप्रोक्स 65-70। हाँ, 70। सही। और उसकी सबसे खूबसूरती चीज है ये झालोर। हाँ, शानदार झालर है। हाँ, जिस तरह से जब, जैसे कि अभी तो ब्रीडर के लिए हमने छोड़ा नहीं है जी, लेकिन थोड़ा और बड़ा होगा तो ये झालर उसकी खूबसूरती में और इजाफा करेगा। सही। और ये कितने में देना है अपने को? वो जिसको भी चाहिए वो फोन पे कांटेक्ट करेगा। सही है। तो इंशाल्लाह हम उनसे जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो ये फोन पे बता देंगे इसका रेट, जो भी रेट होगा माशाल्लाह। 55 अराउंड आप फोन करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फोन पे ही बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। 55 अराउंड बोल रहे हैं लेकिन निगोशिएबल रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें दिखाए हम लोग ने, ये जिसको भी चाहिए कॉन्टेक्ट कर सकता है हम लोग से। नंबर कौन सा देना है भाई? 9873-10329। ये भाई का नंबर है, ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। ऑफ कोर्स, ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा जी। फिर दूसरी चीज, यहाँ पर आप आइए, विजिट कीजिए हमारे फार्म की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पास में ही वडनगर शहर लोकेटेड है हमारा जी। और अगर मैं यहाँ का एड्रेस दिखा दूँ आपको तो ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट मेहसाणा है, तालुका वडनगर, और ये हमारा गाँव है बादरपुर।
और बादरपुर से मौलीपुर के बीच में जो पटेल फार्म लोकेटेड है मेरा, और दूसरी चीज यहाँ पे नजदीक में वडनगर आया हुआ है जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है। अपने फैमिली के साथ वैकेशन है, बच्चों के साथ आइए घूमिए और उसके साथ हमारे ये फार्म की विजिट कीजिए, घूमते रहिए इंशाल्लाह। आप आओगे, मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।